देश के 125 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी में फिर एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ता दो गटों में बट्टा हुआ नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं का एक गट सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर अड़ा है, तो वही दूसरा कार्यकर्ता फिर से एक बार राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर अड़िंग है। ऐसे में कुछ लोगों द्वारा सोनिया के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया गया था। इस पर राज्य के पशुदुग्ध मंत्री सुनील केदार ने जानकारी दी। जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर पिछले 65 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस में नेतृत्व बदल को लेकर तब भी कार्यकर्ता की कोशिशें जारी थी और आज भी जारी है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए राहुल गांधी को पदभार संभालने के लिए दिया गया था, लेकिन विरोधी पार्टी द्वारा बार बार कांग्रेस आधार पर हमले होते गए, राहुल गांधी के कामकाजों पर सवाल खड़े किए गए थे। इतना ही नहीं तो लोकसभा विधानसभा में करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था, जिसके बाद नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी इन्होंने अपना पद त्याग किया था, जिसके बाद सोनिया गांधी इन्हें दोबारा पार्टी की अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन कांग्रेस को एक नए युवा के नेतृत्व की जरूरत महसूस हुई तो फिर से एक बार राहुल गांधी के नाम की चर्चा हुई। कांग्रेस में एक गुट राहुल गांधी को तो दूसरा गुट सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद पर विराजमान देखना चाहता है। ऐसे में किसी ने सोनिया गांधी को कुछ अपशब्द कहने की कोशिश की, जिसका समाचार राज्य के पशुदुग्ध मंत्री सुनील केदार ने किया। मैं इतना ही कहूंगा कि मैं एक कांग्रेस का जमीन पर चलने वाला सिपाही हूं। मेरी जो राजनीति रही है नागपुर डिस्ट्रिक्ट की, उसको आपको सबको मालूम है, और मैं जो भी विचार रहते हैं मेरे विचार में बड़ा स्पष्ट रखता हूँ। सिर्फ विचार तक ही बात रखता नहीं, उसके साथ मैं उस तरीके से व्यवहार भी करता हूँ। और मैंने जो बोला है कि इन लोगों ने आदरणीय सोनिया गांधी की माफ़ी मांगना चाहिए, इमीडिएट उन्होंने माफ़ी मांगना चाहिए, इसके ऊपर मैं आज भी कायम हूँ। इसके बारे में आपने और प्रखर भूमिका ली हुई है और आक्रमक भी इख्तियार किया है इसके बारे में ट्वीट में। बराबर है, मैंने उनको ये भी बोला कि यदि आपने माफ़ी नहीं मांगा तो आपको इस महाराष्ट्र में आपको काम करना बहुत मुश्किल होगा, मैं आपको ढूंढने नहीं लूँगा। मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, आज तक की मेरी राजनीति के जो मेरा जो पीछे का जो पूरा राजनीतिक करियर है उसमें देखा है कि मैं बोलता हूँ तो ऐसा मैं करता हूँ। लेकिन ये ट्वीट किया आपने, ये नेताओं की जो भूमिका है उसकी वजह से कांग्रेस के दो दिशा में जाते हुए नेताओं के दो धड़े नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में क्या करने चाहिए? आज मीटिंग भी हो रही है। मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, करते क्योंकि आम जो कांग्रेस वाला है, जो ज़मीन पे चलने वाला कांग्रेसमैन है, वो ज़मीन पे चलने वाले जो कांग्रेसमैन है, जो कांग्रेस के लिए खुद के ऊपर वोट मांगता है, उनके मन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो आज भी आदरणीय सोनिया जी के साथ है, कल भी सोनिया जी के साथ है, और गांधी परिवार ही कांग्रेस को लेके चल सकता है, इस विचारों से पूरा होता है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मीरे, इन बी सी एन न्यूज़ नागपुर।